जनता हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ खड़ी है। निश्चित रूप से 3 मार्च को लोग मतदान करने के लिए संकल्पित हैं भाजपा के पक्ष में, और 10 मार्च मतगणना के दिन बड़े विजय की सूचना हम सभी को मिलेगी। जी, एक जो बात है, सच्चाई जो है सामने, आपके जो बैरिया विधानसभा है, विधायक जी वहां से सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी को 7 सीट नहीं जीतने देंगे, बैरिया का तो छोड़िए ना, क्या कहना चाहेंगे आपके इस पे? उत्तर प्रदेश की महान जनता भाजपा के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी विजय की ओर जा रही है। बलिया के साथ बैरिया को किस तरह से विकास करेंगे, जैसे कि कटान से पीड़ित है, रिंग बंदा लगातार हरेक बिल्कुल नहीं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो पैकेज और जो पैसे बैरिया विधानसभा क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए दिए हैं, जो ड्रेजिंग का कार्य किया गया, अभूतपूर्व है। और एक लोगों को जो भी स्थानीय आवश्यकताएं होती है उसको सरकार पूरा की है, आगे भी पूरा करते रहेंगे। अंतिम सवाल, अब बीजेपी, कांग्रेस और सपा बसपा कह रहे हैं कि इस बार तो बीजेपी की नैया डूबने वाली है, क्या कहना चाहेंगे किसकी नैया डूबेगी इस विधानसभा चुनाव में? अरे जो अभी जमीन के अंदर हैं वो हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं? जयशंकर जी बलिया को मुंबई बनाने वाले हैं, आप एरिया को क्या बनाएंगे? हम सभी लोगों ने निरंतर लोगों की भलाई के लिए कार्य किया है, देश प्रदेश के विकास के लिए आगे भी करते रहेंगे।